अपनी पत्नी नीलम सिंह को याद कर उनके बर्थडे पर फूट फूट कर रोए पवन सिंह। जी हाँ, पवन सिंह जो कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि वो चाहे न चाहे विवाद उनके पीछे पीछे चलता है, वो विवादों से कोसों दूर रहते हैं लेकिन फिर भी विवाद उनके पीछे पीछे चलता है। तो खैर, आज हम आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी नीलम सिंह, जिन्हें गुजरे हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं, तब अपनी पत्नी को याद कर पवन सिंह खूब रोए। पवन सिंह और नीलम का साथ बहुत ही कम दिनों का था, महज 3 से 4 महीने का ही था इनका साथ, लेकिन नीलम की याद आज भी पवन सिंह को आती रहती है। आपको बता दें कि नीलम ने उन्हीं के घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि पवन सिंह ने नीलम से जैसे ही शादी की, उन्हें लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए और वहीं पर रहने लगे, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल के चलते वो नीलम को टाइम नहीं दे पाते थे और ऐसे ही नीलम डिप्रेशन में चली गई, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस गलती का एहसास पवन सिंह को बहुत लेट हुआ और इसके लिए पवन सिंह आज भी पछताते हैं कि अगर उन्होंने नीलम को टाइम दे दिया होता तो आज उनकी लाइफ कुछ और ही होती। तभी तो अपने स्पेशल पोस्ट में आज भी वो लिखते हैं कि तुम्हारी कमी, तुम्हारी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। नीलम के मौत के पुण्यतिथि पर हर साल पवन सिंह पूजा रखते हैं और गरीबों में दान करते हैं। वैसे नीलम की याद में ही अपने आरा वाले घर का नाम नीलम सिंह ही रखा है पवन सिंह ने। नीलम के चले जाने के बाद पवन सिंह को उनकी अहमियत का एहसास हुआ और आज भी नीलम के लिए पवन सिंह यही कहते हैं, तुम्हारी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता मेरे जीवन में। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।